मैं नड्डा जी से मुलाकात कर कर उसकी जानकारी में भी ये विषय दूंगा और उसके बाद वो क्या कहते हैं वो जल्द आकर आप लोगों को मैं सूचित करूंगा। अगर ये गलत हो रहा है तो आप लोगों की भावना से मुझे ज्ञात हो रहा है तो ये गलत है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर पर आज सैकड़ों लोगों की भीड़ दिखाई दी। ये भीड़ थी केवल चिराग पासवान को देखने के लिए और कुछ लोग वहां पर पहुंचे थे अपनी समस्या को भी लेकर। उनमें से पटना एम्स के कई छात्र थे, अपनी समस्याओं को लेकर आए थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। जब चिराग पासवान अपने घर से बाहर हाजीपुर के लिए प्रस्थान करने के लिए निकले उस वक्त लोगों ने उन्हें घेर लिया। जितने भी छात्र वहां पर खड़े थे सैकड़ों की भीड़ में, उन्होंने घेर कर चिराग पासवान को ये कहा कि उनकी समस्या है और पटना एम्स में उनको परेशानी हो रही है, वो नौकरी कर रहे थे। इस पर चिराग पासवान ने उनकी बातें सुनी, किस तरीके से उन्होंने बातें सुनी और उसके बाद क्या कुछ कहते नजर आए वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि चिराग पासवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि जो भी उनकी परेशानी है इसके बारे में उन्हें पता नहीं था, लेकिन अब उन्हें पता चल गया है। तो अब ऐसे में आज ही वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्या का निवारण करेंगे। देखिए किस तरीके से चिराग पासवान अपनी गाड़ी पर बैठ करके खुद आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं पटना एम्स के छात्रों को। कल में ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात कर कर, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है, आप लोगों की जानकारी से ही मुझे ये जानकारी मिली है कि ये एम्स पटना ने ये फैसला लिया है। क्या केंद्र सरकार का इसमें कोई दिशा निर्देश आया है मेरी जानकारी में नहीं है, पर आप लोग भी कह रहे हैं कि नहीं आया। केंद्र सरकार की ये जानकारी में संभवतः ये विषय नहीं है। ऐसे में मैं नड्डा जी से मुलाकात कर कर उसकी जानकारी में भी ये विषय दूंगा और उसके बाद वो क्या कहते हैं वो जल्द आकर आप लोगों को मैं सूचित करूँगा। अगर ये गलत हो रहा है तो आप लोगों की भावना से मुझे ज्ञात हो रहा है तो ये गलत है। इसके खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से केंद्र सरकार के पास मैं आप लोगों का ये सूचित करूँगा। तो देखा आपने किस तरीके से चिराग पासवान ने पटना एम्स के छात्रों को आश्वासन दिया है। दरअसल हाजीपुर के लिए वो प्रस्थान कर रहे थे और उनके घर पर काफ़ी लोगों की भीड़ थी और इसी क्रम में अपनी समस्या को लेकर के अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे थे और क्या कुछ लोग कहते नज़र आए और चिराग पासवान उन्हें किस तरीके से आश्वासन देते नज़र आए, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।